जिसमें ज्यादा ठंड होगी पंचहरी में। तो पंचहरी आइए, ठंड का मजा लीजिए और बस ऐसे ही फी के साथ बर्फ फेंकते जाइए। सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉट फंड व्लॉग्स। तो भाई आज हम आपको दिखाएंगे कि जब बर्फ़ पड़ जाती है तो फिर उसे कैसे हटाया जाता है और किस इंस्ट्रूमेंट से उसको हटाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बंदों को पता नहीं है वो क्या चीज़ है जिससे बर्फ़ फेंकी जाती है घर के छतों के ऊपर से। तो बने रही हमारे साथ। सनसेट हो रहा है और यहाँ पे देखो छत पे कितनी बर्फ जमा हो गई है, अब इसको फेंका जा रहा है और ये विश्व बंधु जी लगे हुए हैं बर्फ़ फेंकने के लिए पूरे जोर के साथ। छत साफ करना पड़ता है, साफ करेंगे यहाँ पे। सनसेट का व्यू देखो आप, नहीं फेंकेंगे तो ये फिर दिक्कत रहती है, क्योंकि रात को अगर कोरा चोरा पड़ जाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, फिर तो अगले दिन मुश्किल ही फेंका जाएगा। तो अभी दिखाते हैं, ये है जो लकड़ी का बैट सा दिख रहा है आपको मेरे हाथ में, क्या बोलते हैं इसको, फींक फींक बोलते हैं इसको, मिंडा मिंडा नहीं मिंडा ये होगा इतना था, इसको बोलते हैं फींक। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बर्तन को आपको फेंकनी है छत साफ करने के लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा आसानी सा मतलब आसान सा काम है, दो मिनट में हो जाएगा। भाई कमर की बुरी हालत हो जाती है यहाँ पे, सनसेट हो गया और ये कुछ छत भी हमने अपना साफ कर दिया, आधा छत तो साफ हो गया। भाई विशु कैसा लग रहा है बर्फ फेंक के? विशु भाई ने पूरी बर्फ फेंक दिया, ये देखिए बस थोड़ा सा रह गया और ठंड बढ़िया भाई, ठंड बढ़िया। और ये मिस्टर लबिश जी, हाँ जी मिस्टर लबिश, क्या बोलना चाहते हो भाई? ठंडी बहुत है। हाँ टेम्परेचर माइनस में जा रहा है अभी। ले से ज्यादा ठंड हो गई पंचहरी में। तो पंचहरी आइए, ठंड का मजा लीजिए और बस ऐसे ही फी के साथ बर्फ फेंकते जाइए।